गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस, लेक्चर 5, चैप्टर 2, द नदन माउंटेन्स। क्विक रिकॉर्ड। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करेंगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। लोकेशन ऑफ नदन माउंटेन्स। नदन माउंटेन्स की लोकेशन क्या है? द नदन माउंटेन्स स्ट्रेच अलोंग द नदन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड कॉल्ड हिमालयस। नदन माउंटेन्स दूर तक, नॉर्थ में दूर तक बॉर्डर तक फैले हुए हैं और इन्हें हम हिमालयस बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ नदन माउंटेन। नदन माउंटेन कहाँ तक फैले हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ये जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2500 किलोमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 160 टू 450 किलोमीटर। ये लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले हैं और इनकी चौड़ाई लगभग 160 से 450 किलोमीटर है। ये सभी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हिमालयस हैव थ्री पैरेलल रेंजेस। हिमालयस तीन पैरेलल रेंजेस में फैले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हिमालयस के लगभग तीन रेंज हैं जो एक साथ चलते हैं, पर इनकी ऊंचाई अलग अलग है। पहली जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, जो सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं, उन्हें हम हिमाद्री बोलते हैं। इनको हम अपर हिमालयस भी कहते हैं। दूसरे हैं जो हिमाद्री से थोड़े कम ऊंचे हैं, वो हैं द हिमाचल रेंज। इन्हें हम मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं। और तीसरे हैं द शिवालिक, जो इन दोनों से कम ऊंचे हैं। इन्हें हम लोअर हिमालयस भी बोलते हैं। कल हमने हिमाद्री और हिमाचल रेंजेस के बारे में पढ़ा था। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाद्री इज माउंट एवरेस्ट, विच इज लोकेटेड इन नेपाल। दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट हिमाद्री मतलब अपर हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है। ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस एंड स्नो। हमने कल देखा था कि ग्लेशियर्स आइस और स्नो की बनी हुई नदियां होती हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं बर्फ के, वो तैरते हैं और उनमें से ही नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा और यमुना। द थर्ड रेंज इज शिवालिक। आप इस मैप में देख रहे होंगे कि कल हमने जो दो रेंजेस पढ़ी थी, एक थी हिमाद्री
जो हिमालयास के सबसे ऊंचे माउंटेन्स थे, उसके बाद जो हिमाद्री से थोड़े कम ऊंचे थे वो थे हिमाचल रेंज, और तीसरे हैं द शिवालिक। द शिवालिक विच इज ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालयास और आउटर हिमालयास। शिवालिक को हम लोअर हिमालयास या आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। दीज आर द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंजेस ऑफ हिमालया विथ हाइट बिटवीन 900 मीटर्स एंड 1100 मीटर्स एंड विथ 10 टू 15 किलोमीटर। ये जो शिवालिक माउंटेन्स हैं, ये तीनों माउंटेन्स में सबसे साउथ की तरफ, मतलब सबसे नीचे की तरफ है, लोएस्ट रेंज में आते हैं, और इनकी हाइट लगभग 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है, और ये लगभग 10 टू 15 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। द स्लोप ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स विच आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो शिवालिक माउंटेन्स हैं, ये बहुत घने जंगलों से भरे हुए हैं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं। हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखा था कि अपर हिमालयास और मिडिल हिमालयास ये स्नो से कवर्ड रहते हैं, पर शिवालिक माउंटेन्स ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इस स्लाइड्स में आपको दिख रहा है कि ये जंगलों से घिरे हुए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स अपना घर बनाकर रहते हैं। द एक्सटेंशंस ऑफ शूट्स ऑफ हिमालयास। इस मैप में आपको जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है वो दिख रहा है, वो केटू पीक है, काराकोरम रेंज। द काराकोरम रेंज लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज K2 और गॉडविन ऑस्टिन। इट्स हाइट इज 8611 मीटर। इट इज ऑल्सो द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन हिमालयास। काराकोरम रेंज ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में है, और इन रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। आपको इस मैप में भी दिख रहा है कि K2 नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख में पड़ता है। सबसे ये जो चोटी है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। सबसे जो पहले नंबर पे सबसे ऊंची पीक है वो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, पर जो इंडिया में है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंजेस आर द ईस्टर्न एक्सटेंशंस ऑफ द हिमालयास, कंसिस्ट ऑफ द नागा, पाटकी, लुसाही एंड द मिजो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
पूर्वांचल रेंज ये हिमालय के ईस्ट की तरफ एक्सटेंशंस हैं। इनको हम पूर्वांचल रेंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ईस्ट मोस्ट पार्ट है कंट्री के, बिल्कुल लास्ट में, जो ईस्ट मोस्ट मतलब बिल्कुल लास्ट में ईस्ट की तरफ जो माउंटेन्स हैं वो हैं, इसलिए इन्हें हम पूर्वांचल रेंज बोलते हैं। इसमें आपको मैप में दिख भी रहा है नागा हिल्स, पाटकी हिल्स, लुसाही और मिजो हिल्स, ये सब पूर्वांचल रेंजेस के ही माउंटेन्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयास, हिमालय की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए? द हिमालय मेक अ नेचुरल बाउंड्री ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। हिमालयास प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। इस मैप में आपको जो डॉटेड एरिया दिख रहा है वो पूरा हिमालय रेंज है। ये हिमालय हमारी कंट्री के लिए एक नेचुरल बाउंड्री है जो नेचर ने ही बनाई हुई है, और ये हिमालय हमें अपनी नेबरिंग कंट्री, अपने पड़ोसी देशों से भी प्रोटेक्ट करता है। द माउंटेन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हिमालयस के जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो बहुत ठंडी हवाएं हैं उनको भी रोकता है और हमारे कंट्री को उन ठंडी हवाओं से बचाता है। मैनी पेरिनियल रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक एंड घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयास। हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि जो ये गंगा, यमुना, ये ग्लेशियर से बनी हुई नदियां हैं जो हिमालय में हैं। ये ग्लेशियर्स ऐसे ही ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंधक और घाघरा, ये भी हिमालय के ग्लेशियर से ही बनी हुई नदियां हैं जो आप इन मैप्स में देख सकते हो। द हिमालयास ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून रेन्स फ्रॉम फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब हिमालयास जो मॉनसून रेन्स जो करते हैं उनको अपनी कंट्री में करने के लिए फोर्स करता है। अगर ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नहीं होते तो ये मॉनसून आगे निकल जाता, लेकिन इन हिमालयंस की वजह से ही हमारी कंट्री में ये रेन्स, मॉनसून रेन होते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा है कि कैसे मॉनसून की जो हवाएं हैं वो आती हैं और हिमालय की वजह से हमारी कंट्री में मॉनसून होता है। द थिक ग्रीन फॉरेस्ट आर द होम फॉर द मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमालयन फॉरेस्ट्स। हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि हिमालयन रेंजेस में बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, उन्हीं के लिए हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। The mountains are also a rich storehouse of mineral resources. Dams have been built
across many rivers to produce electricity. हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वो मिनरल्स के भी बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स होते हैं, और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनकी ऊपर डैम बनाए गए हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि ये डैम है और इन डैम से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लाइफ इन द अपर हिमालयन रेंज इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉट पॉसिबल। जो सबसे अपर हिमालय है, जो हिमालय की सबसे ऊपर वाले माउंटेन्स हैं, वहाँ पर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ का वेदर या वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और इसी वजह से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता ज़्यादा, और फसलें क्रॉप्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं होती हैं। वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। So, this is all about this chapter. We have studied about Himalayas. The Himalayan mountains are the one of the most beautiful place in India to explore, and it is a gift given by nature. Himalayan mountains hamari country ke liye nature ke diye ek gift mein se ek hai. Now some interesting facts. The Himalayas are the youngest mountains and the Aravallis are the oldest hills. Himalay jo mountain hain ye young mountains hain kyunki ye abhi ke matlab ye nahi ki bilkul aajkal mein bane hain, means ye new bane hue mountains hain, aur Aravalli hills jo hain wo world ki सबसे पुराने हिल्स में से एक हैं। नेक्स्ट, द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग लाइक यू एवरी ईयर इंक्रीजिंग देयर हाइट। हिमालय अभी भी ग्रोइंग हैं, जैसे आप अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हो, हिमालयन माउंटेन्स भी अभी हर साल थोड़ी थोड़ी अपनी हाइट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल एंड सर Edmund Hillary of New Zealand were the first person to scale Mount Everest in 1953. Tenzing Norgay, जो नेपाल के हैं, और सर हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने दोनों ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी। सो ये हमने पूरा हिमालय के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। कल हम एक बार ये चैप्टर पूरा दोबारा से रिवाइज करेंगे। तब तक हम अभी अपना होमवर्क और कल का जो सॉल्यूशन है, टुडेज होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question 1. Mention 3 ways in the Himalayas are important to the people of India. Indian peoples ke liye Himalay kaise important hai? Aapko koi 3 baatein Himalay ki importance ke bare mein likhni hai. Question number 2. Name 2 offshoots ranges of the हिमालयाज। हिमालयज की दो ऑफशूट रेंज के नाम लिखने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको ये जो वीडियो है इसमें मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज